नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, मेरे चैनल क्रॉच एंड ग्राम में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप नए नए डिजाइन देखेंगे, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। इसलिए मैंने ब्लू और येलो कलर लिया है। अब मैं आपको इसके ये पहले आपको ये बताऊंगी ये मैंने पीसेस कैसे बनाए हैं। पहले मैं आपको घेर बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने पहले मुझे 5 चैन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर पहली चैन में से मुझे सर्कल बनाना है, 1, 2, 3। फिर 3 चैन लेनी है, फिर मुझे 5 डबल क्रोशे लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने 5 लिए। फिर उसके बाद 1, 2, 3 चैन लूंगी, फिर 5 डबल क्रोशे लूंगी दोबारा से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैंने 5 दो बार ले लिए, फिर 1, 2, 3, फिर 3 चैन लूंगी, फिर दोबारा 5 लूंगी। ये मुझे 3 बार 5 में लेना है। ये देखिए, बीच में 3 चैन डालनी है, चार और ये 5। फिर उसके बाद 3 चैन, 1, 2, 3। ये देखिए कुछ इस तरह आएगा ये, और ये चैन में यहाँ पे पहले वाले पे जोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरह से आएगा। अब क्या करना है, 1, 2, 3 3 चैन लेनी है, ये फंदा मेरे को पहले आगे से फंदा लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है डिजाइन बनाना। फिर ये पीछे से लूंगी फंदा जो डबल क्रोशिया है, फिर आगे से लूंगी डबल क्रोशिया, देखिए। फिर ये फिर पीछे से आएगा, फिर आगे से आएगा, फिर 2 डबल क्रोशिया आएंगे चैनों के अंदर, जो 3 चैन ली थी, 1, 2, 3। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, देखिए 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर अब यहीं पर दोबारा आ गए, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर आगे से लूंगी, ये 1 डबल क्रोशिया पीछे से लूंगी, ये आगे से लूंगी। ये मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 3 लाइन का डिजाइन है, इस वजह से इसको स्क्रिप नहीं कर सकती मैं। 1, 2, ये देखिए ये इस तरह से आएगा, 1, 2, 3। फिर दोबारा 3 चैन लूंगी, फिर 2 डबल क्रोशिए, फिर ये आगे से लेना है डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया पीछे से लेना है। मतलब कि जो ये आगे, ये मैंने बीच में 5 डबल क्रोशिया पहली लाइन में लिए थे, ये एक बार आगे से लेना है। तो मतलब कि 3 आगे से आएंगे डबल क्रोशिया और 2 पीछे से आएंगे, और ये बीच में 2 डबल क्रोशिया आएंगे। ये देखिए ये इस टाइप का कुछ कटोरी सी बनती जाएगी है। ये देखिए ये 1, 2, 3। यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे मैं पहले से फिक्स करूँगी। अब इसी तरह से मुझे दूसरी लाइन करनी है,
एक दो दो लाइन होगी, तीसरी लाइन भी इसी तरह से करनी है। अब मैं तीसरी लाइन आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे इस तरह से पीस तैयार होंगे। ये देखिए, मैंने चार ब्लू करे और तीन येलो करे। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक येलो हम और बना लेंगे। मैंने इस तरह से करे। अब मैं इसको जोड़ूंगी। येलो धागे से मैं इसको जोड़ूंगी। किनारी से किनारी मिला लूंगी। यहाँ पे एक एक जो पहली चैन है डबल क्रोशिया मेरा, उसी में मैं जोड़ूंगी इसको। ये देखिए, ये यहाँ पे एक इधर कर लूंगी डबल क्रोशिया, इधर एक इधर कर लूंगी। एक इधर का आएगा, एक इधर का आएगा। ये सिंगल स्टिच से पूरा मेरे को ये जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से जोड़ूंगी। और मैं ये सारे पीस इसी तरह जोड़ूंगी। ये मैंने सात बनाए थे पीस, लेकिन मुझे एक कम लग रहा था तो मैंने एक येलो बना लिया था। तो चार पीस ब्लू के और चार पीस येलो के, ये इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पर लास्ट में ये चैन के ऊपर ही ले लूंगी मैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। देखिए, ये हमारा, ये ऐसे देखिए, ये डब्बी सी बनी हुई है। तो ये इस तरह से आएगा। अब बाकी पीस जोड़ के मैं आगे बताती दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मेरा इस तरह से जुड़ा है सारा, मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। और ये बीच में, ये मेरा कान्हा जी की कमर के लिए मैंने छोड़ दिया जगह, यहाँ पे ये। अब मैं यहाँ पे आपको ये किनारी बना के दिखा रही हूँ। किनारी मुझे बनानी कैसे इसमें, दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया लेंगे। एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, सात आठ। फिर यहाँ पे दो छोड़ूंगी मैं, फिर यहीं पर ही मैं इसको फिक्स कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से। आइए, मुझे ऐसे ही करना है। एक येलो कलर में, एक में ये मेरे तीन आएंगे रिंग, यहाँ पर भी तीन आएंगे। ये मैं आपको करके पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा यहाँ तक जुड़ गया, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको इसी से, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं से जोड़ लूँ। अब मेरा येलो काम का, ये धागे का काम खत्म हो गया। मैं इसको येलो धागे को यहीं पर ही कट कर लूँ। अब मैं इसको पीछे ले रही हूँ।
ये देखें, ये मैं हाथ पे आती कट करती जा रही हूँ, ताकि अभी देखिए ये इस तरह से आएगा, थोड़ा ऐसे बॉक्स टाइप का आएगा ये इस तरह से। देखिए अब मेरे को इस पे किनारी बनानी है, मैं किनारी पूरी ब्लू कलर से बनाऊंगी। मैं ब्लू कलर लूंगी, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको ब्लू धागे को भी अंदर ही ले लूंगी। एक चैन लूंगी, एक स्लिप, एक चैन एक स्लिप, एक चैन और एक स्लिप, ये इस तरह से मैं लेती जाऊंगी। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। ये किनारी बहुत अच्छी लगती है, ये मैं शुरू से ही बनाती आ रही हूँ। मुझे इसको बनाते बनाते भी, क्रोशिए को बनाते हुए 25 साल से ऊपर हो गए हैं, और मैं ज़्यादातर यही किनारी ही बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है किनारी, इसमें लुक आ जाता है किसी भी चीज़ का। ये देखिए ये देखिए, अब ये मैं पूरी लाइन आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, यहीं पर मैं इस चीज के साथ जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर इसको बंद कर दूंगी, यहाँ कट करके। सारे धागे मैं ऑलरेडी पीछे ही सब अंदर ही अंदर ले लेंगे, और जो थोड़ा सा फालतू है उसको कट कर देंगे। जैसे ये फालतू ऊपर का आ रहा है तो इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए मेरा हो गया घेर तैयार। अभी तक आपने ये अभी तक पोशाक ऐसी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब इसके अंदर की बनानी है। ये यहाँ पे बनानी है कपड़े, यहाँ पे मैं बनाऊंगी कैसे। देखिए इसको मैं पकड़ के, ये मैं इसी तरह लूंगी, यहाँ पे एक चैन लूंगी और हर एक में से, ये देखिए ये इस तरह से मुझे लेना है। देखिए थोड़ा कान्हा जी की कमर पे फिट आ जाए। ये आपको मैं दो भाग में बताऊंगी, दो पार्ट में, एक साथ ये नहीं बताऊंगी मैं। ये देखिए ये इस तरह से ये पूरी कवरिंग ऐसे करके मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी हो गई, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको यहीं पर ही बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी, क्योंकि ये मेरा घेर कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। ये देखिए जब कान्हा जी को हम पहनाएंगे ये इस तरह से आएगा।
आप इधर डोरी भी डाल सकते हो, प्लास्टिक भी डाल सकते हो, आप कुछ भी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये मेरा घेर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कैप बनाना बताऊंगी, क्योंकि चोली मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि एक एक करके आपको मैं ये दो पार्ट में वीडियो बताऊंगी। ये मेरी चोली हो गया, घेर हो गया मेरा। अब मैं आपको कैप बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने कैप ऐसे बना रखी है। ये देखिए, ये मैंने बड़े कान्हा जी के लिए बना रखी है। मैं आपको अब छोटे कान्हा जी के लिए बता रही हूँ। ये मैंने 16 की बनाई है। यहाँ पे मैंने 16 डबल क्रोशिये लिए हैं। और ये अब मैं बनाऊंगी छोटे कान्हा जी के लिए। एक दो तीन चार पांच, मैंने 5 चैन लिए हैं, रिंग बना लिए हैं। 1 2 3, फिर दोबारा 3 चैन लिए, फिर पूरे में इसमें से चैन में से पूरे सर्कल में से मुझे 12 लेना है डबल क्रोशिया। तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। ये मैं 12 ले लिया मैंने, और ये इसको पहले से जोड़ दूंगी मैं यहाँ पे। ये देखिए, फिर उसके बाद मेरे को एक चैन लेनी है, और हर एक में से ये देखिए मुझे हर एक में से ना दो दो सिंगल स्टिच लेने हैं। ये देखिए, ये 12 है तो मेरे को 24 लेना है। ये देखिए, मुझे इस तरह से सिंगल स्टिच लेना है। मैं आपको ये यहां तक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा ये एक लाइन हो गई है। अब मैं इसको यहीं से ही, जो मैंने पहली लाइन पहली चैन ली थी, यहीं पर ही सिंगल स्टिच से जोड़ देती हूँ। अब ये देखिए, अब मुझे ये मैंने बड़े में यहाँ पे डबल क्रोशिया की लाइन ली थी, यहाँ पे एक दो दो लाइन दो लाइनें सिंगल स्टिच ली है बड़े वाले में, मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ। फिर उसके बाद दो लाइनें मैंने जो घेर में डिजाइन डाला है वही मैंने यहाँ डाला। ये देखिए, ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैं एक ही डालूंगी। यहाँ पे मैं 3 चैन ले रही हूँ। ये देखिए, पहले मैं एक में से ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिंगल स्टिच है, थोड़ा इसमें एक लाइन में थोड़ी परेशानी होगी। फिर दूसरे में लूंगी, फिर देखिए इसी तरह से मुझे, ये देखिए आ गया वही डिजाइन। ये मुझे दो लाइनें करनी है ऐसे। ये देखिए, ये इसी तरह से यहाँ डिजाइन डालते हुए मुझे दो लाइन करनी है। मैं दो लाइन करके बताती हूँ। ये देखिए, मेरा हो गया, दो लाइनें हो गई कंप्लीट। अब मैं इसको यहीं पर ही जोड़ दूंगी। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 तीन चैन लेके ना, हर एक में से एक, दो, तीन,
चार। हर एक डबल क्रोशिया में से पांच पांच लेना है मुझे, डबल क्रोशिया एक में से पांच लेना है, तीन चार पांच। इसी तरह से ये लाइन मुझे कंप्लीट करनी है। ये देखिए, एक में से पांच लेते लेते पूरी लाइन मुझे कंप्लीट करनी है। मैं यहाँ तक लाके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। अब मैं यहीं पर इसको बंद कर रही हूँ। ये देखिए, ये तक कभी बंद। अब मैं इसको अंदर नॉट लगा देती हूँ। अब मैं पूरी कवरिंग इसको येलो से करूंगी, जैसे ये मैंने कर रखी है। वही एक चैन लेनी है, एक उसमें स्टिच लेना है। तरह से लेना, जैसे घेर में मैंने लिया एक चैन और स्लिप, एक चैन ये स्लिप, एक चैन स्लिप। ये मुझे पूरी लाइन इसी तरह से बनानी है। ये देखिए, ये इस तरह से। तो मैं आपको पूरी कवरिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा हो गया, ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। और मैं पहले से मिला के इसको बंद कर दूंगी। अब यहीं पर ही मैं इसको धागे को कट कर दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ मैं अंदर ही ले दूंगी सारा, और जो फालतू का है वो कट कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरी हो गई यहाँ पे कैप। अब मेरे को इसमें डोरी लगानी है। अब मैं डोरी येलो कलर की बनाऊंगी। देखो चैन बना, अब मुझे डोरी बनानी है। डोरी में चैन की बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ये देखिए मैंने 30 की चैन बना ली है। अब मैं इसको ही यहीं पर ही कट कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मैंने तो छोटी बनाई है। अब ये देखिए, मैं आप इसको जो मेरे मैंने ले रखी है ऊपर बना रखे हैं, इसी में से मैं निकालती जाऊंगी। ये देखिए कैसे भी निकाल लो आप। इस तरह से ये हम निकाल पूरा हो जाएगा। अब आप इसमें मोती डालना चाहो मोती डाल सकते हो, बो लगाना चाहो बो लगा सकते हो, छोटा फूल बना के लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वो आपकी इच्छा है, आप कैसे
इसको डेकोरेट करते हो। मैं इसमें छोटी बो लगाऊंगी बना के, ये देखें मैंने इस तरह से कर दिया इसको यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको बांध दूंगी। ये देखें और जब मैं बो बनाऊंगी, ये देखिए यहीं पर ही इसको, ये यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे मैंने बांध दिया। अब मैं इसको सारे धागे को मैं अंदर ले जाऊंगी और यहाँ पे मैं बो लगा दूंगी। ये बनके घेर और ये कैप तैयार हो गई है। अब आप मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी है। और जो भी मेरे नए दर्शक है वो आने, जो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो है जो मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ बना के, तो वो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।